हे वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए बच्चों, दिनों में भी अच्छे से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट नंबर 27 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए। जीएस पेपर वन की टेस्ट सीरीज है। इकोनॉमिक्स का स्लॉट 11 है, तो बेल आइकन को प्रेस रखना फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो प्रश्न क्रमांक संख्या एक है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला एम ओ ओ सी संबंधित है, किससे संबंधित है एम ओ ओ सी? तो ये संबंधित है वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से। किससे? वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या कार्यक्रम से संबंधित है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, एम ओ ओ सी का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, एम ओ ओ सी। वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेट जमा जो एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में रखता है को धन की आपूर्ति का हिस्सा माना जाता है। देखिए गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको नहीं माना जाता। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों में M1 को अधिक तरल एवं M4 को न्यूनतम तरल के रूप में व्यक्तिगत वर्गीकृत किया जाता है। तो करेक्ट है M1 को अधिक तरल और M4 को न्यूनतम तरल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा कथन करेक्ट है? केवल दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इंटरनेट जमा जो एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में रखता है को धन की आपूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाता। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों में M1 को अधिक तरल और M4 को न्यूनतम तरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, आंतरिक लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने बैंक में आंतरिक लोकपाल को नियुक्त करना आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना से बाहर रखा गया है। देखिए पहला गलत है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना से बिल्कुल भी बाहर नहीं रखा गया है। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंतरिक लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 10 लाख से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने बैंक में आंतरिक लोकपाल को नियुक्त करना आवश्यक है। करेक्ट है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक को, जितने भी क्षेत्र ग्रामीण बैंक हैं उनको इस योजना से बाहर रखा गया है। तो करेक्ट है ये भी, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, भारत में 10 लाख से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अपने बैंक में आंतरिक लोकपाल को नियुक्त करना आवश्यक है। आंतरिक लोकपाल बैंकों की सेवा में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न उन सभी शिकायतों की जांच करेगा जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। क्षेत्र ग्रामीण बैंक को इस योजना से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार वाणिज्यिक बैंकों को संदर्भित करते हैं जिन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित किया जाता है। करेक्ट है, अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई पूंजी और बैंक की एकत्रित धनराशि 5 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए गलत है, 5 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। 5 करोड़ का तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओनली वन इज करेक्ट। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों को संदर्भित करते हैं जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित होते हैं। वाणिज्यिक बैंक लाभ के आधार पर काम करते हैं। अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई पूंजी और बैंक द्वारा एकत्रित धन 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, ना कि 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके पास क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व का अधिकार है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और प्रायोजक बैंक के पास भी है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक RRBS और बैंकिंगों पर्याप्त वित्त सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं।
आरआरबीएस का स्वामित्व केंद्र सरकार में 50%, राज्य सरकार में 15% और प्रायोजक बैंक में 35% होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रायः बहुराष्ट्रीय निगम अपने मुख्यालय निम्न कर वाले क्षेत्रों में स्थापित करते हैं, भले ही उनका अधिकांश कार्य संचालन उच्च कर वाले क्षेत्रों में हो, इसे क्या कहा जाता है? देखिए, इसे कहा जाता है टैक्स इन्वर्जन। क्या कहा जाता है? टैक्स इन्वर्जन। तो टैक्स इन्वर्जन तब होता है जब कोई फर्म न्यून कर अधिकार क्षेत्रों में अपने मुख्यालय स्थापित करती है, जबकि उसके संचालन का ज़्यादातर भाग उच्च कर अधिकार क्षेत्रों मतलब आमतौर पर मूल देश में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोबिन कर का क्या उद्देश्य है? देखिए, टोबिन कर का मतलब होता है विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करना। टोबिन कर का उद्देश्य होता है विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करना। तो टोबिन कर विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्त लेन देन के लिए प्रस्तावित कर है। 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने इसे प्रस्तुत किया था। तो अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के नाम पर इसे प्रस्तुत किया गया था, टोबिन कर को। इन्हें 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्र में जारी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट है, पार्टिसिपेटरी नोट्स धारक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। देखिए, मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करता है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा कथन में सही नहीं है? केवल दूसरा यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, केवल दूसरा ही गलत है। तो देखिए, यह किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्रों में जारी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। पीएन धारक पीएन द्वारा संदर्भित प्रतिभूति शेयरों के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार का लाभ नहीं उठाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकारी प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मौद्रिक तथा ऋण नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक महत्वपूर्ण साधन है। इन बाजारों में संस्थाओं के साथ साथ व्यक्ति भी हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है क्या? सरकारी प्रतिभूति बाजार में संस्थाओं के साथ साथ व्यक्ति भी हिस्सा ले सकते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सरकारी प्रतिभूति बाजार यह मौद्रिक तथा ऋण नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन प्रतिभूतियों को कम जोखिम वाला माना जाता है क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा कर शक्ति का समर्थन प्राप्त है। एक व्यक्ति के साथ साथ संगठन भी इसका लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 लाख तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। गलत है, 10 हज़ार तक है, केवल 10 हज़ार बस। ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। केवल दूसरा करेक्ट है। तो मौजूदा ओवरड्राफ्ट ओडी की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष से बढ़ाकर कर दी गई है 18 से 65 वर्ष। तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इकोनॉमिक्स का स्लॉट नंबर था 11, महत्वपूर्ण थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।